हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं हिमालयन की पहली सर्विस करवाने। मैंने बाइक अपनी 500 किलोमीटर चला दी है फाइनली, तो हम जा रहे हैं उसका करवाने। मेरा अपना हेलमेट, गर्मी बहुत हो गई है दिल्ली में, तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं फटाफट सर्विस सेंटर। मुझे तो मैं सब कुछ दिखाता हूँ कि अपनी बाइक में क्या क्या हुआ पहली सर्विस में, क्या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, प्लस मैं तुम्हें जितने भी पैसे वैसे लगते हैं सब कुछ बताता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, मैं तुम्हें मिलता हूँ बाइक पे। अब तो जोन से मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ वो है झिलमिल में, देखते हैं वहाँ की कैसी सर्विस है, स्टाफ कैसा है, सब कुछ देखते हैं। बाकी आप जैसा देख पा रहे होंगे 507 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। दिल्ली में ना भाई लोगों बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अच्छा ज़्यादा गर्मी है। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि मैं बाहर निकलूं। अभी भी देखो फुल स्लीव भी बाहर डाल के निकलना पड़ता है, वरना पूरा टैनिंग हो जाएगी, मेरा पूरा टैटू खराब हो जाएगा। उन बंदों को सल्यूट है मेरा जो इतनी गर्मी में भी ना राइडिंग जैकेट डाल पाते हैं, ग्लव्स डाल पाते हैं। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ डालूँ, बहुत गर्मी हो गई है। बात बताता हूँ, एटलस में पुराने साथी काम आते। देखो मैं जावा पहुँच गया अपनी बाइक दे के, यहाँ पे फुल गप्पे शप्पे मारूंगा भाई बैठ के, बढ़िया एकदम। बाइक दे दी अपनी उधर अमर मोटर्स के सर्विस सेंटर पे। उधर वेटिंग एरिया था बट बड़ा गर्म हो रहा है, उधर बहुत गर्मी हो रही है। फिर मैं जावा पे चला गया था, उधर तो मेरे सब दोस्त ही है, तो मैं थोड़े गप्पे शप्पे मारे उधर, तो मैं ऐसे ही निकल गया भाई रिक्शे पे घूमने। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत मुश्किल है। रॉयल एनफील्ड ले तो लो लेकिन आफ्टर सर्विस नहीं अच्छी है इसकी, देखते हैं बाइक होती है नहीं सर्विस नहीं होती है, बता दूंगा तुम लोगों को। एक तो पता नहीं मेरी नाक पे क्या हो गया है, सैड लाइफ। हैप्पी नवरात्रि, चिकन नहीं खा सकते। तो यार बाइक अपनी एकदम साफ हो रही है, क्लीन हो रही है, एयर फिल्टर अभी उन्होंने खोला था एकदम क्लीन कर दिया है, सब कुछ एकदम साफ हो रहा है, ठीक हो रही है सर्विस फिलहाल तो सेटिस्फाइंग लग रही है मुझे अभी तक तो। मैं कुछ इसलिए बोल नहीं रहा हूँ गलत, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग, बाकी जब होती है बताता हूँ। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक की पहली सर्विस हो चुकी है। जो जॉब शीट इसकी बनी है, जो मेरे पैसे लगे हैं वो मेरे लगे हैं 1521 रुपये 1521। अभी मैं आपको वो जो जॉब शीट है वो डाल दूंगा, इससे पहले डाल दूंगा फ़ोटो खींच के। सर्विस ठीक हुई है यार बाइक की, कोई चिंता वाली बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब तुम इरिटेट हो जाओगे ना, इतना टाइम लग जाता है। मैं सुबह पहुंच गया था उधर, आई गेस 11 समथिंग अराउंड में पहुंच गया था उधर, और मैं अब आ रहा हूँ वापस। अगर तुम टाइम देखो सामने घड़ी में भी देख लेते हैं, 3:45। तो यार टाइम बहुत लग गया, बहुत इरिटेटिंग है, सब सही है, बस जो वेटिंग टाइम है ना ये बहुत बेकार है इनका।
रॉयल इनफील्ड को कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि इनकी जो सर्विस है वो मतलब कस्टमर को इतना वेट ना करना पड़े। ऑल दो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है इनके पास, बट कौन ही करे यार वो। नहीं नहीं भाई क्या है ऐसे कैसे, मतलब करवाते हो क्या बंदे, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर्विस सेंटर में इनकी लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं, मेरे सामने सामने 2 से 3 लड़ाइयाँ हो गई, बंदे परेशान इतना हो रहे हैं, इरिटेट इतना ज़्यादा हो रहे हैं। एक बंदे का तो कुछ ऐसा सीन हुआ वो अपनी बाइक दे के गया हुआ था सुबह से, उसको फ़ोन करके बोल दिया कि सर आपकी बाइक रेडी है, बाइक ले जाओ, और वो बेचारे की बाइक ही रेडी करना भूल गए। वो आगे इतना लड़ा क्या ही करे, एट लास्ट फिर कराओ उसने भी वेट। तो हाँ यार ये थोड़ा इशू है, बाकी तो ठीक है यार, सर्विस वगैरह बढ़िया हुई है और अब अपना चला भी सकते हैं बाइक को। पावर देख रहे हो बाइक में कैसी आ रही है, मज़ेदार। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, लिटरली जल रहा हूँ मैं, जबकि मैंने टेंट वाला वाइजर डाला हुआ इस टाइम पे, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर मेरी स्किन बर्न हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हाथ तो मेरे जल ही गए। फटाफट घर पहुँचे यार, घर पहुँचे को ठंडा पीऊँ, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी बाहर रहने का। तो गर्मी ऊपर से रश, दिमाग ही ख़राब हो जाए इंसान का। तो यार अब हम बाइक का रिव्यू लाने वाले हैं बड़ी जल्दी, तो बाइक का रिव्यू आएगा पूरा, वो रिव्यू देखना आप लोग। बाकी अब ट्रिप भी आने वाली है तो अब ट्रिप पे भी चले गए, बस अब सब कुछ फटाफट होने वाला है, अब तुम बस वीडियो देखो धड़ाधड़ आएगी, मज़ा आएगा तुम लोगों को देखने में। तो चलो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपनी बाइक्स का ध्यान रखो। देखो 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 कितना, क्या बोलूँ मैं, चूतिया साला, अभी अगर इसकी पंच में लग जाती फिर। तो चलो यार गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखो, मस्ती करो, राइड करो, मौज करो, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज अपने हिमालयन के मीटर में बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो कंपनी उसके लिए आई है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, जो आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, जो रॉयल इनफील्ड की ऐप है उसके थ्रू। तो ये कैसे करना है अपडेट ये मैं आप सबको बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी आप देखो मेरे फ़ोन में और इसमें अभी ये अपडेट हो रहा है, तो एक बार मैं खुद कर रहा हूँ अपडेट, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होना है कैसे नहीं होना है। तो देखो यार अपना मीटर हो गया अपडेट, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अपडेट करना कैसे है। सिंपली जो उनके रॉयल इनफील्ड की ऐप है, ये वाली ऐप डाल लेना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, इसको खोलो, ठीक है, उसके बाद अपनी बाइक को कर लो कनेक्ट। देखो हो गया कनेक्ट हो गया, अब यहाँ से ये जो 3 डॉट्स है ना इस पर करो क्लिक। अरे डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से करा क्लिक, यहाँ से जाओ सेटिंग्स, ये देखो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करो। अभी कोई है ही नहीं मेरा, सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो चुका है ऑलरेडी, कुछ होता तो यहाँ पे मुझे अपडेट शो कर देता कि ये इस यहाँ पे अपडेट है। तो बस ऐसे अपडेट होगा, ये वाला तुम दबाओगे तो तुम्हारा अपडेट पे लग जाएगा, यहाँ से ओके करोगे अपडेट पे लग जाता है। तो सिंपली ये अपडेट कर लो यहाँ पे और फिर एकदम ओके हो जाता है, ठीक है गाइस। बाकी देखो तो मैं ये दिखाता हूँ, देखो नेविगेशन आ गया, म्यूज़िक आ गया, यहाँ पे कॉल का आ गया। तो अपना ये पूरा अपडेट कर लो यार, मीटर बढ़िया हो जाएगा। तो यार मैं आया हूँ मूवी देखने, छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी, भाई अभी तक तो मतलब मुझे तो बढ़िया लग रही है। देखो
एज अ पर्सन मुझे ना टाइगर श्रॉफ बहुत पसंद है और अक्षय कुमार भी मुझे अच्छा लगता है, तो ये वाली बात है। हाँ बाकी मज़ा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है मूवी में, बट ठीक है। तो बंदे ऐसे देखते हैं ना, जब मैं ब्लॉग करता हूँ बंदे इतना घूर घूर के देखते हैं, समझ ही नहीं आता। चलो मूवी ख़त्म होती है तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी ना एक भाई थे, उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने उनको पैर लगाया बड़ी दूर से, फुल पसीना आ गया देखो। भाई अगर कभी भी कोई तुम्हें इंसान दिक्कत में दिखे ना, जिसको लाइक पंचर हुआ हो या पेट्रोल ख़त्म हुआ हो, उसकी यार हेल्प कर दिया करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है यार ये, समझ रहे हो। बाकी मूवी बढ़िया थी यार, मतलब बढ़िया देखो, बहुत ज़्यादा एक्शन था, एक टाइम पर बोरिंग थी, बट ठीक थी मूवी, वन टाइम वॉच है। अब भाई चलते हैं घर फटाफट, ठीक है। तो चलो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मैंने दो वीडियोस जोड़ दी है, दो व्लॉग्स कह लो, व्लॉग्स तो नहीं मतलब एक सर्विस हो गई और एक हो गया, एनीवे। तो चलो गाइज आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।